पप्पू छुपा है कहाँ, जल्दी से बता दो। पप्पू बेटा कहाँ गया होगा? अभी पापा। तुम कौन हो और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? तुमने अपने कपड़ों की पड़ी है। अरे वो पप्पू कहाँ गया वो देखो। मैं पप्पू हूँ मम्मी। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगा। पप्पू हमारा छोटा सा बेटा है, हमारा बाप नहीं। हमारा पप्पू इतना बड़ा? मम्मी आप ही तो कहती थी तू कब बड़ा होगा, तू कब बड़ा होगा। अब देखो मैं पापा कितना बड़ा हो गया हूँ। मम्मी अब आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, प्लीज मुझे कमरे में बंद मत करना। ओशाना तुम क्या मैं बेवकूफ समझते हो? और तुम अंदर कैसे आए? और हमारा पप्पू कहाँ? और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? पापा कपड़े छोटे होके फट गए ना, ये देखो। मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक हमारा पप्पू नहीं मिल जाता, तुम यहीं रहोगे। पापा मैं ही पप्पू हूँ। हाँ, और मैं हूँ गब्बर सिंह और ये जॉर्ज बुश। पप्पू की माँ? जॉर्ज बुश नहीं, अमिताभ बच्चन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम्हें तो अमिताभ बच्चन का पता नहीं। मम्मी पापा आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो। आप क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। और तुम जब तक तुम ये नहीं बता देते कि पप्पू कहाँ है, तुम यहीं रहोगे। चलो। मम्मी पापा मैं पप्पू हूँ। पापा मैं दरवाजा खोल। मम्मी पापा इनके साथ फॉर्मूला नंबर 37 करूंगा मैं। खुश भगा देने मेरे बच्चे को। तुम चुप रहो, मैंने नहीं तुमने भगाया उसको। चॉकलेट खिलाने की धमकी तुमने दी थी। और तुम चुप रहो, कमरे में तुमने बंद किया था ना, तुम्हारे वजह से भागा है वो। अभी बताती हूँ किसकी वजह से भागा है। अभी पापा को फोन लगाती हूँ। अभी पापा को फोन लगाती हूँ। मैं भी मम्मी को फोन लगा के बताता हूँ। पापा मैंने चीखी चीखी। हेलो हेलो चिंकी, मैं पप्पू बोल रहा हूँ। पप्पू? अरे लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी बदल क्यों गई है? अरे तुम्हें हवास लग रही है चिंकी, मैं पूरा बदल गया हूँ। क्या मतलब? अरे मतलब समझाने का वक्त नहीं है। तुम्हारा ऑडिशन के लिए? अरे हाँ वही तो, लेकिन ना मम्मी पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। क्या? तो अब क्या करोगे? हाँ फॉर्मूला नंबर 177। हाँ जल्दी 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 करो जल्दी। हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ मम्मी पापा मुझे ऑडिशन पे जाने से कैसे रोकती है। परचाई कितना सोना डांस करता है ना। ओए मुंडे दोस्ती करेगा मेरे नाल? ओए मुंडा किसको बोली तू? ओए मैं तेरा बड़ा प्रा हूँ। दोस्ती करेगा तभी तो प्रा बनेगा ना, ले देखा परचाई कितने नखरे कर रहा है। जब शाइनी तेरी पिटाई करेगा ना तो तुम्हें बचाने मैं ही आऊंगी, चल ले। नहीं नहीं हुआ, ये लुच्चा हमारे ग्रुप में नहीं आएगा। ओए खोते तू अपने बाप को लुच्चा बोलता है? हीरो मैं बाप होगा तेरा बाप। मम्मी इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? शाइनी ये तुम्हारे पापा हैं। लेकिन चाची बेटा बाप के कपड़े पहनता है, बाप थोड़ी ना बेटे के कपड़े पहनता है। हाँ और इसने तो शाइनी के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब शाइनी इसका बाप है। ओए चुप कर। अरे ये टेबल पे क्यों खड़ा है? जब मैं टेबल पे खड़ा होता हूँ तब सब मुझे जानते हैं। ये लुच्चा शाइनी। ओए उसे चिंता मत कर ही रही है, मैं सब संभाल लूंगा।
मेरी मम्मी को फ्लाइंग किक देते हैं लुच्चे। नीचे तू नीचे शाइनी तू मेरा शाइनी पुत्र छोड़ नीचे। नहीं शाइनी मार इसको, इसने चाची को फ्लाइंग किक दिया ना, मार इसको। देखा मुझसे दोस्ती नहीं की ना, अब ले मजा। शाइनी मार मार इसको और डेढ़ फुटिए को पिए को मार इसको मार इसको गलत मार कर खोद दे छोड़ मार मोर और मार छोड़ क्या भाग जाएगा। शाइनी पुत्र हीरो तूने क्यों मारा शाइनी को? आप ही ना बच्चों के साथ बच्चे बन गए हो। बच्चों को पता होगा। अरे ये क्या कर रहे? ओए ओए और रुक जा, वो क्या कर रहा है? तरम तेरा सिर्फ नाम ही तरम है, तू सच्ची मुच्ची धर्मेंद्र नहीं हो गया। उल्टी सीधी डंबल के साथ एक्सरसाइज करेगा तो पसली में लचक आ जाएगी, फिर रोता फिरेगा। ओए शाइनी पुत्र क्या बात है, रो क्यों रहा? पसली लचक गई होगी, इधर आ घूम घूम। ओए चुप करना। ओए खोते वो तुझे चुप होने को कह रहा है। पर पाजी मैं कहां रो रहा हूँ? तो रोना शुरू कर दे फिर। पर मेरी कहां पसली लचकी है? अब आपकी लचक गई दिखा। पाजी क्यों दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहे हो आप? जरा बच्चे से पूछो ना बेचारे को क्या हुआ, क्यों रो रहा है वो? शैनी पुत्र क्या हुआ? एक तो उस लुच्चे ने मेरे कपड़े पहन लिए और ऊपर से मेरी मम्मी को फ्लाइंग किस देता है, और मेरी मम्मी ने उसको मारने के बदले मुझे मारा। नाना पुत्र उसे लुच्चा मत कह, वो लुच्चा नहीं है, तेरा बाप है। अच्छा तो आप सब भी मिले उसके साथ? पाजी मैं शैनी पुत्र पुत्र तो अभी तक रो रहा है। देखो इसने फिर से मुझे पुत्र कहा। अरे मैं अभी ये समझा नहीं है, बाद में इसे समझा देंगे हम। ठीक है मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। हाँ करो जी। और रहने दे, कमर में लचक आ जाएगी फिर तू भी रोता फिरेगा। डंबल बहुत बड़ा हो गया है। पाजी डंबल बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे हो गए हो। मैं हेल्प कर देता हूँ। तू पागल है क्या? मैं इतना बड़ा डंबल उठाऊंगा? पर पाजी हर रोज तो आप यही उठाते हो। ओए खोते! देखो 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 इसने खोते बोला। यही बात अगर मैं बोलता हूँ तब सब मुझे डांटते हैं। देखो देखो उसने परमीत चाचू के कंधे पे भी हाथ रखा है। अगर ऐसा मैं करता हूँ तब सब मुझे डांटते हैं, सब मेरे साथ पार्शियलिटी करते हैं। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। शाइनी पुत्र शाइनी सब पार्शियलिटी करते हैं। शाइनी सुन तो। और तू चुप कर, गुस्से में मार मूर देगा तेरे को। पल्ली पाजी वो रो रहा है, कहीं गुस्से में वो कुछ कर ना ले। पल्ली पाजी कुछ कीजिए पल्ली पाजी। अब परमीत पाजी अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें जल्दी से पप्पू को ढूंढना होगा। हाँ। अब पप्पू को ढूंढेंगे कहाँ? पापा इन्होंने पप्पू को चॉकलेट खिला देने की धमकी दी थी, अब आप ही बताइए इतने छोटे से मासूम बच्चे को कोई चॉकलेट खिलाने की धमकी देता है भला? मम्मी इसने उसे कमरे में बंद किया था और उसमें बाथरूम भी नहीं है, तभी वो भाग गया और इल्जाम मुझ पे लगा रही। आंटी पापा आप इनसे कह दीजिए मेरा गुजारा इनके साथ नहीं हो सकता, इन्हें तो खाना बनाना तक नहीं आता और तो और सिलाई कढ़ाई भी नहीं आती है। अंकल मम्मी तुम ठीक कहती थी, इसके लक्षण ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरा पप्पू भाग गया। वो तो मैं हिम्मत वाला हूँ इसलिए अभी तक टिका हुआ, वरना ओफो, दोनों फॉर्मूला नंबर 36 में उलझे हुए हैं। चिंकी चिंकी रुको। अरे चिंकी चिंकी बेटा तुम कौन हो? पप्पू कहाँ है? अरे मैं पप्पू हूँ। एड़ा बन के पेड़ा मत खिलावा, मैं ही पप्पू। पप्पू पप्पू बेटा दरवाजा खोलो, देखो हम मान गए कि तुम ही पप्पू हो। हम मान गए हैं। ये देख अब मम्मी पापा ने भी मान लिया मैं पप्पू हूँ। अरे मैं ही पप्पू हूँ, अरे मेरा यकीन करो मैंने तुमको फोन किया था। अरे हाँ फोन वाली आवाज तो तुम्हारी ही लगती है। हाँ लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड पप्पू कैसे हो सकते हो? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन मेरा यकीन करो मैं ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पप्पू हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ? हाँ फॉर्मूला नंबर 26 करके देख लो। अरे हाँ ठीक है, अभी बताओ हमारे मैथ्स टीचर कैसे बोलते हैं?
ज्यादा शोर मत करो वरना मैं माइनस प्लस डिवाइड करके ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। अरे हाँ, हिंदी टीचर के साथ तुमने कल क्या बदमाशी की थी? अरे यार, अरे उनका ध्यान तो हैंडराइटिंग पे रहता है, वर्ड्स पे नहीं जाता। इसलिए मैंने कल लिख दिया था हमारा हिंदी का टीचर गधा है, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साइन करके शाबाशी दे दी कि तुम्हारी राइटिंग में सुधार हो रहा है। तुम तो पप्पू ही लगते हो, अभी चॉकलेट खा के इसका स्वाद बताओ। इसे चिंकी दूर को हटाओ, इसे मैं नहीं खाऊंगा। सॉरी, मैं नहीं खाऊंगा ना इसको। तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड पप्पू हो। अरे वही तो मैं तेरे से कह रहा था। लेकिन तुम अचानक इतने बड़े कैसे? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम जल्दी करो नहीं तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ फॉर्मूला 32 कर देंगे। लेकिन जाएंगे कैसे, बाहर तो तुम्हारे मम्मी पापा है। फॉर्मूला नंबर 65। थैंक गॉड चिंकी, हम लोगों ने फॉर्मूला 65 यूज किया और भाग के आ गए, नहीं तो मम्मी पापा कभी आने नहीं देते। पप्पू, चिंकी, बेटा पप्पू, चिंकी, देखा वो चिंकी को भी भगा ले गया। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारी लापरवाही उसे भी खतरे में डाल देगी। पापा ने कहा था परसों के गुड मॉर्निंग इंडिया के पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे पढ़ो। एक मिनट, ये रहा। मुझे दो। सावधान, आजकल कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय हैं जो किसी के भी घर में घुसकर खुद को उनका रिलेटिव बताकर उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और फिर मौका मिलते ही पूरा घर साफ कर देते हैं। या फिर फिरौती की मांग के लिए बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। मतलब पप्पू के साथ चिंकी को भी उसने किडनैप कर लिया। अब क्या होगा? हमें हमारे बच्चे के साथ में इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। और मुझे उसे रूम में बंद करके नहीं रखना चाहिए था। मुझे उसे चॉकलेट से डराना नहीं चाहिए था। हे भगवान, पता नहीं मेरा पप्पू कहाँ होगा। मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। चलो पुलिस को फोन कर। हाँ, चलो। साइड नंबर, तुम फिर आ गए। मैंने तुमको पहले ही भी बोला था कि ये कॉन्टेस्ट सिर्फ बच्चों के लिए है। अंकल, मैं बच्चा ही तो हूं। अंकल, दिखावे पे मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए। अगर मैं बच्चा नहीं होता तो यहाँ हिस्सा लेने आता? पहले बड़ा बन के आया, जब मैंने एंट्री नहीं दी तो बच्चे की आवाज में मुझे गाके सुनाया, और अब खुद को पूरा का पूरा बच्चा बोल रहा है। सांस नहीं लेने देगी सांस। हेलो हेलो मम्मी जी। वो देखिए अंकल, लिखा है बच्चों का कंपटीशन। तू क्या मुझे पागल समझता है? दिखने में तो नहीं लगते। नहीं 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 मम्मी जी, आपको नहीं। नहीं नहीं जी जी, क्या बाथरूम में कॉकरोच? तो कॉकरोच के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाने की क्या जरूरत है? बुला लो ना, जब बोल रही है बड़ों की बात नहीं डालते। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने आपको नहीं कहा जी। मम्मी जी, हाँ हाँ एम्बुलेंस, हाँ। नहीं नहीं, मैंने मम्मी जी आपको पागल नहीं कहा। पागल भले ना, लेकिन फॉर्मूला नंबर 351 में आपको जरूर गलत फहमी हुई है। याद कीजिए, आपने 27 नंबर इसे ही दिया था। अच्छी तरह याद है मुझे, मैं अपने बाप का नाम बताने में गलती कर सकता हूँ, नंबरों में गलती नहीं कर सकता। मैंने 27 नंबर पप्पू को ही दिया है। मैं ही पप्पू हूँ अंकल। अरे एक मिनट मम्मी जी, अगर तुम पप्पू हो तो फिर वो कौन है जिसको मैंने 27 नंबर दिया है? चिंकी, हीरो, तू रोएगी तो मैं वहां गाना कैसे गा पाऊंगा? अब वहां मेरे बिना मैं क्या करता? मैं तुझे ले जाता पर तरम जिद करने लगा कि प्राची मैं चलूंगा। हीरो, और अब तो एक्स्ट्रा पासेज भी नहीं बचे हीरो। कोई गल नहीं, आप जाओ और फतेह करके आओ, हंस के जाओ। अब हंसी आई नहीं रही तो हंसू कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखो। हीरो नहीं, ओ इंदर!
कैसा है जी? वो कैसा है जी? अभी तक तुम्हारा ऐसा है जी, कैसा है जी, यही सब चल रहा है। रोमांस आके कर लेना महाराज, अब चलो वरना शाइनी आके बहुत मारेगा। उसके कपड़े पहन के जो बैठा हुआ है, चल उठ। अच्छा पाजी, अब मैं चलता हूँ। हाँ भी, सिद्धि पाओ पर सिद्धि पाओ, जीतते रहो। बेस्ट ऑफ लक पाजी। थैंक यू। नाम रोशन करो। बेस्ट ऑफ लक वीर जी। थैंक यू। ठीक है जाइए, जीत के आना। और हाँ जी, सबके चक्के छुड़ा दूंगा पहले से एंड राउंड तक, आप देख लेना। ओए चल काके। हाँ पाजी। अरे खोलो, कोई बॉक्स खोलो। लॉलीपॉप, अभी से क्या हो गया? लगता है इसका जुकाम ठीक हो गया। चलो चलो जी, देखें। खोलो। बोलो भाई। मैं एक इम्पोर्टेंट बात ही बताना भूल गया। अक्सर मेरे साथ यही होता है, हमेशा इम्पोर्टेंट बात ही बताना भूल जाता हूँ और फिर भुगतना आप जैसे लोगों को पड़ता है। और क्या भुगतना पड़ता भाई? अभी पिछली बार मैं जिस बॉक्स में था ना, उसके मालिक को मैं ये बताना ही भूल गया कि जिस हवाई जहाज में वो बैठा है उसका ब्रेक फेल है। बेचारा बैठ के चला तो गया लेकिन वापस नहीं आ पाया। इसका मतलब बल्लीवीर जी अब हवाई जहाज से बैठेंगे? एक मिनट सोनी। लॉलीपॉप बताओ यार, क्या जरूरी बात है? देखो जल्दी बताओ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है। क्रिकेट का? क्रिकेट तो फालतू है, हमारे यहाँ कोई नहीं खेलता। लंगड़ी टांग का वर्ल्ड कप है हमारे यहाँ। मैं भी हिस्सा लूंगी। अच्छा पकर, लेने दो ना, हिस्सा लेना चाहती है तो। कैसे हिस्सा लेगी, बक्से में जाएगी? और वो कोई इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा है और तुम्हारे को लंगड़ी टांग की पड़ी है। हाँ मैं कुछ बताने जा रहा था, लो फिर भूल गया। देखो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब मैं नहीं मानता भाई, ये हमेशा फालतू बातों के चक्कर में काम की बात भूल जाता है, गधा कहीं का। बल्ली! अरे ये क्या हुआ, बल्लीवीर जी गधे बन गए। और ये क्या किया तूने? हमारे घर में गधों की कमी थी जो तूने मुझे भी गधा बना दिया। जैसे को तैसा, तुमने मुझे गधा बोला ना तो। यार लॉलीपॉप छोड़ो ना, मैं सॉरी बोलता हूँ उनकी तरफ से। प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो। ओए गधे, पहले इसे बोल वो इम्पोर्टेंट बात बोलने के लिए। लेकिन वीर जी, गधे तो आप हो। और चुप कर। और चल भाई लॉलीपॉप, मैं सॉरी बोलता हूँ और चाहे तो मुझे गधा रहने दे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात बता दे, वो मेरा दिल घबरा रहा है। गधा बोल के सॉरी बोलते हो? पता है मैं कितना अकलमंद हूँ? हमारे यहाँ फिल्म बनने वाली है मेरी अकलमंदी पर, आइंदा बोलने से पहले सोच लेना। वीर जी वापस आ गए। चल अब वो बता दे। बताता हूँ, अगर 9 बजने से पहले पप्पू जो इंदर की बॉडी में है, अगर उसने चॉकलेट नहीं खाया तो पप्पू और इंदर दोनों एक दूसरे की ही बॉडी में रह जाएंगे। आपका इंदर हमेशा के लिए छोटा ही रह जाएगा। लॉलीपॉप पहले क्यों नहीं बताया यार? अभी तो सिर्फ 4 ही घंटे बचे हैं और तभी तो मैंने बोला था कि एक नंबर का कोई पता करो यार, पप्पू कहाँ है? चिंकी, किसी ने हमारे साथ फॉर्मूला 420 किया है। उसी ने किया होगा जिसके पास 27 नंबर होगा। तो हम भी उसके साथ सेम फॉर्मूला 420 करेंगे। हाँ। जैसे को तैसा। हम दोनों यही बैठ के उसकी वेट करते हैं। ठीक है।